पंजाबी बजीर पैरट्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, परिंदे पालने का शौक अब सिर्फ शौक नहीं रहा बल्कि कारोबार बन चुका है। कराची में हजारों अफराद इस कारोबार से वाबस्ता है जो दिन में चंद घंटे परिंदों की देखभाल से माकूल आमदनी कमा रहे हैं। दोस्तों, लियाकताबाद 10 नंबर पर लगने वाला परिंदों का हफ्तावार बाजार परिंदों के कारोबार के फरोग में अहम करदार अदा कर रहा है। इसके अलावा कराची के मुदाफाती इलाकों समेत हैदराबाद, ठट्ठा और हब समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से भी परिंदों के ताजर और शौकीन इस बाजार में आते हैं। परिंदों के बाजार में कबूतर, मुर्गी, ऑस्ट्रेलियन तोतों जैसे आम परिंदों के अलावा आला और नायाब नस्ल के कीमती परिंदे भी फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। लियाकताबाद में परिंदों का बाजार गुज़िश्ता कई दहाइयों से लगाया जा रहा है। 15 साल कबल ये बाजार लियाकताबाद डाकखाने से शुरू होकर सुपर मार्केट और फरदौस शॉपिंग सेंटर तक सड़क के दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर लगाया जाता था। तमाम ट्रैफिक के अजहाम और ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई कम होने के बाद ये बाजार बतदरी लियाकताबाद से बाहर की जानब मुंतकिल हो रहा है। फिल वक्त ये बाजार सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद से शुरू होकर शरीफाबाद और करीमाबाद से आने वाली सड़कों तक फैला हुआ है, जिसमें हफ्तावार आरजी दुकानों के अलावा मछली और एकोरियम की दुकानें, परिंदों की खुराक, पिंजरों और सामान की दुकानें मुश्किल बुनियाद पर कायम हो चुकी हैं। अब यह इलाका परिंदों और पालतू जानवरों के तजारती मरकज में तब्दील हो रहा है। बाजार की अहमियत के पेश नज़र सैनाबाद से गरीबाबाद जाने वाली दोनों जानब की सड़कों पर भी पिंजरे बनाने के कारखाने और दुकानें बन चुकी हैं। इस शौक और कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि घर में परिंदों की चहचहाहट से रौनक रहती है और एक मुश्किल मसरूफियत भी बन जाती है। परिंदे पालने वाले ज्यादातर अफराद ने पहले पहल शौक की तस्कीन के लिए परिंदे पालने शुरू किए जो बाद में कारोबार या पेशे की शक्ल इख्तियार कर गए। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि 10 से 20 हजार रुपए की छोटी सी सरमायाकारी के जरिए परिंदों का कारोबार शुरू किया जाता है जो साल भर में 1 लाख रुपए तक के असासों में तब्दील हो सकता है। ताहम इसके लिए मेहनत और मुश्किल मजाजी की जरूरत है। ज्यादातर अफराद ने घरों की छतों पर बड़े बड़े पिंजरे बना रखे हैं जहां मुख्तलिफ अकसाम और नस्लों के परिंदों की ब्रीडिंग कराई जाती है और बढ़ने वाले परिंदे बाजार में फरोख किए जाते हैं। मकाओ, ग्रे, रिंग नेक, काकाटू और कई तोते बाजार में मौजूद हैं। लियाकताबाद के हफ्तावार परिंदा बाजार में बेश कीमत मकाओ, अफ्रीका के ग्रे तोते, बड़े सर वाले खंटेदार सब्ज तोते जिन्हें रात तोता भी कहा जाता है, चोटीदार सफेद तोते, काकाटू और दीगर महंगे तोते भी फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। बाजार में चकोर, तीतर, बटेर के अलावा बुदबुद और पाकताओं की मुख्तलिफ इकसाम को देखा जा सकता है। मकाओ की कीमत 2 लाख रुपए, अफ्रीकन ग्रे की कीमत 50 से 60 हजार रुपए, जबकि पीली चोटी वाले सफेद तोते की कीमत 80 हजार रुपए तक तलब की जा रही है। आम कॉकटेल तोते रंग और नस्ल के लिहाज से 2000 से 12000 रुपए की जोड़े तक फरोख्त किए जाते हैं। मुख्तलिफ रंगों के फिक्चर और लव बर्ड की कीमत भी इनके रंगों की बुनियाद पर तय होती है। अमूमी तौर पर सब्ज और सुर्ख फिक्चर का जोड़ा 800 से 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। येलो और सुर्ख लोटीनो तोते 2000 रुपए की जोड़ा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज, स्याह, सरमई और फेरोजी रंग वाले तोते 3000 से 5000 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ग्रे कॉकटेल 1500 से 1800 रुपए, सफेद और पीले कॉकटेल 3000 रुपए की जोड़ा, जबकि सफेद और सरमई कॉकटेल 5 से 10 हजार रुपए की जोड़ा तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सुर्ख चमकदार चूंच वाली दूध जैसी सफेद जावा चिड़िया का जोड़ा 1200 से 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रंग बिरंगी नन्ही फिंच चिड़िया 300 रुपए जोड़े तक फरोख्त की जा रही हैं। आम बजरी तोतों का जोड़ा 400 से 500 रुपए, सुर्ख अंकों वाले बजरी तोते जिन्हें रेड आइज कहते हैं 800 से 1000 रुपए, जबकि किंग साइज के बजरी तोता का जोड़ा 5000 से 6000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। बाजार में चकोर की कीमत 8 से 10 हजार रुपए तलब की जा रही है, जबकि छोटी उम्र के चकोर 5 से 6 हजार रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। चकोर फरोख्त करने वालों का कहना है कि ये परिंदा जिस घर या कारोबार की जगह पर होता है वहाँ बद असरात और जादू टोना असर नहीं करता। इसी तरह जंगली परिंदा होने के बावजूद हुदहुद फरोख्त करने वाले ये कहते हैं कि हुदहुद का जिक्र कुरान पाक में किया गया, इसलिए इस परिंदे की घर में मौजूदगी बायस बरकत होती है। दोस्तों, कलीजी मुबालक को परिंदों की बरामद पर पाबंदी से कारोबार में मुनाफा कम हो गया है।
पाकिस्तान से खलीजी रियासतों को जिंदा परिंदों की बरामद पर पाबंदी के बाद परिंदों के कारोबार में मुनाफे का तनाजा कम हो गया है। एक्सपोर्ट की वजह से इस कारोबार को तेजी से फरोग मिल रहा था और बड़े सरमायाकार भी इस शोबे का रुख कर रहे थे, जिनको देखकर छोटे छोटे कारोबारी और शौकिया अफराद ने भी अपना सरमाया परिंदों में लगाया। ताहम एक्सपोर्ट पर पाबंदी और कीमतें गिरने की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। परिंदों के ताजरों के मुताबिक कराची के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुनजम अंदाज में परिंदों के फार्म बन चुके हैं, जहाँ यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से किस्म किस्म के परिंदे लाकर उनकी अफजाइश की जाती है और बढ़ने वाले परिंदे मुकामी मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, कराची की आबो हवा परिंदों की अफजाइश के लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। पंजाब में सख्त सर्दी और गर्मी में शदीद गर्म मौसम में परिंदे मर जाते हैं। दोस्तों, सर्दी में बड़े पैमाने पर देसी मुर्गियाँ और चूहे फरोख्त होते हैं। मौसम सरमा के दौरान परिंदों की मार्केट में अंदरूनी सिंध और दीगर शहरों से बड़े पैमाने पर देसी मुर्गियाँ और चूहे लाकर फरोख्त किए जाते हैं, जबकि देसी अंडे भी कम कीमत पर फरोख्त होते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस बाजार से हफ्तावार बुनियाद पर देसी मुर्गियाँ खरीद कर करीब वाकया मुर्गी की दुकानों से रिबा करवा के गोश्त घर ले जाते हैं। एक औसत वजन की देसी मुर्गी जो कि एक माह बेचकर 500 रुपए में फरोख्त हो रही थी, अब 700 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जिसमें से मुश्किल आधा किलो गोश्त हासिल होगा। इसी तरह चूहे 100 रुपए से 150 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। दोस्तों, पंजाब में भी मुल्तान में परिंदों की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ हजारों किस्म के परिंदे बेचने के लिए लाए जाते हैं। अगर आपका तल्लक पंजाब के इलाकों से है तो आप मुल्तान की मार्केट से अपना मनपसंद परिंदा खरीद कर घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की मालूमात पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।